मंदसौर जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर जिले के जगहों पर निचले बस्तों में पानी भर गए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही मामला नाहरगढ़ से सामने आया, जहां लगातार बारिश होने से थाने सामने तालाब हुआ और फुलो तालाब के पास वाले कुछ घरों में पानी घुस गया, जिसे रहवासियों को हो रही परेशानी। रहवासियों द्वारा जिम्मेदारों को सूचना देने के बाद भी 4 घंटे बाद में नहीं पहुंचे मौके पर। रहवासियों ने आरोप लगाया कि थोड़ी सी बारिश में घरों में पानी घुस जाता है, जिसे रहने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं घरों में पानी भरने से जंगली जानवर भी पानी के साथ अंदर आते हैं, जिससे हमारे साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही कई बीमारियों का न्योता भी ये पानी दे रहा है, लेकिन जिम्मेदार इसे कोई ध्यान ही नहीं देता। कई बार अवगत कराने के बाद भी जिम्मेदार अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा। रहवासियों ने आरोप लगाया कि नाहरगढ़ पुलिस द्वारा तालाब के एक साइड ज्यादा मटेरियल डालने से हमारे घरों की तरफ पानी लाने लग गया, जिससे हमारे घरों में पानी घुस गया व हम लोगों का रहने में समस्या आ रही है। यहाँ पर सुबह से लगभग सुबह 10 बजे से पानी गिर रहा है, तब से मतलब कि पानी की इतनी समस्या आ रही है आसपास वालों को कि मतलब गर्म पानी घुसने की बहुत समस्या आ रही है। और वहाँ भी नदी के पास में भी वहाँ पर पार जमा कर दी है, ताकि यहाँ पानी इधर आने लगा, जो पहले लगातार उधर से रोज रोड पे जाने लगा था, लेकिन इधर आने लगा। सरपंच को शिकायत की, लेकिन अभी तक आ नहीं पाया हूँ। कम से कम 3 बजे का कॉल कर रहे हैं, 4-5 बार कॉल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पता पता नहीं उसका। डेंगू मलेरिया मतलब रोज की हानिकारक बीमारियाँ हो सकती है। यहाँ पर मच्छर वगैरह सब हमारे बहुत परेशानी आती है। और आए दिन हमारा नयाबादी में सभी की RCG बन चुकी है, लेकिन हमारे कोई RCG का पता नहीं है, ना सुनते ना किसी को शिकायत भी की, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं सुना। और यहाँ पर मामूली बारिश में इतना पानी आ गया, तो कल से मतलब 2-3 दिन से पानी गिरेगा तो क्या होएगा, हम कहाँ जाके रहेंगे। अरे वहाँ से पुलिस वाले ने वो चल रोड रोड जा रहा था पानी से, इधर मेरे घर पास नाला निकल गया, तो उससे क्या घर में घुस गया, सब घर में गीला हो गया पूरा। ये सुबह रात का पानी गिर रहा है, तो इतना सारा पानी भरा गया है, अभी तो हमने खाना भी बना के नहीं खाया है, और पानी बढ़ रहा है, इतना पानी बढ़ गया, पूरा घर के अंदर पानी घुसने वाला है। एक आधा घंटा पानी और गिरेगा, पूरे घर में पानी हो जाएगा। सरपंच साहब के 2-3 बार फोन लगाया, तो वो एक जानवर निकालने में लगे हुए वहाँ कुएं पे, पर यहाँ आके खबर नहीं करी उन्होंने। और मैंने बोला उनसे पानी निकालने का किधर जुगाड़ करो, तो वो बोलते किधर भी निकाल दो, अब किधर निकाले पानी उनके। अभी 4 बार फोन लगा दिया सरपंच साहब, और मैं खुद भी जाके आ गई वहाँ पे। वो बोल रहा है कि हाँ अभी ये जानवर निकाल के आ रहे हैं, किधर भी निकाल दो, अभी किधर किधर निकाले इस पानी को, किधर निकाल, और यहाँ से यहाँ तक किधर निकलने की जगह हो तो आप देख सकते हो। मंदसौर से ललित चक्र धाकड़ की रिपोर्ट।